लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई मनपा आयुक्त की एक नोटिस ने वासी में रीडेवलप हो रही श्रद्धा और एकता सोसाइटी के बिल्डरों और पदाधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है। रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे ने इन सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट में धांधली का आरोप लगाते हुए राज्य के नगर विकास मंत्री और केंद्रीय आवासन राज्य मंत्री के यहाँ शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की थी। मामले में मनपा आयुक्त ने एक इंजीनियर समेत टाउन प्लानिंग अधिकारी हेमंत ठाकुर का तबादला कर दिया है। वहीं ट्रांजिट कैंप की सीसी रद्द करते हुए यहां के सैंपल फ्लैट और अवैध होर्डिंग के खिलाफ भी नोटिस जारी की है। जाहिर है जांच और कार्रवाई की इस नोटिस से बिल्डरों और प्रमोटरों की टेंशन बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। महानगर पालिकाओं का अधिकारी, बिल्डर और जो बीच में उनके एजेंट है, उन्होंने ये सब पैसा का लेन देन करके ये ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट जमा किया है, उसका इंक्वायरी होना चाहिए। मैंने पहले दिन से ही एलिगेशन डाला है कि गलत तरीके से उन्होंने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, हमारा उसका विरोध है, हमारा रीडेवलपमेंट का थोड़ा भी विरोध नहीं है। पालिका ए पेपर में अगर समाधानी है तो उन्होंने लिखे थे कि भाई रीडेवलपमेंट में अगर आपको घर नहीं मिलेगा उसका जिम्मेदारी महानगर पालिका लेगी। नवी मुंबई वासी में रीडेवलप हो रही यही वो श्रद्धा और एकता सोसाइटी हैं जिनमें चल रही धांधली के खिलाफ एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर ने बड़ी कार्रवाई की है। रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे और एडवोकेट एसपाल ओहोल ने रीडेवलपमेंट के लिए पेश किए गए अधूरे दस्तावेज और उसके जरिए हासिल की गई सीसी पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस पर मनपा आयुक्त ने टाउन प्लानिंग अधिकारी हेमंत ठाकुर और एक इंजीनियर की छुट्टी कर दी है। वहीं श्रद्धा सोसाइटी में बिल्डर द्वारा निर्मित ट्रांजिट कैंप की सीसी भी रद्द कर दी है और सैंपल फ्लैट के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, एकता सोसाइटी के डेवलपर अरिहंत बिल्डर के खिलाफ भी नोटिस भेजकर अवैध होर्डिंग लगाने पर जवाब मांगा है। बाला साहब मिर्जे ने बताया कि सीसी के लिए जमा किए गए प्रपोजल और एग्रीमेंट की भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। इसके लिए सोसाइटी पदाधिकारियों को नोटिस भेजी जा चुकी है। श्रद्धा और एकता का जो पुनर्विकास करने के लिए महानगर पालिका के तरफ से जो सीसी दिया है और सीसी के लिए जो प्रपोजल सबमिट किया है, जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स गलत बनाया है उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, हमारी ऐसी मांग थी। इसके बारे में हमने आयुक्त को बार बार शिकायत किया, उसके ऊपर उन्होंने नोटिस निकाला है। जो संक्रमक शिविर बांधा था सेक्टर 10 में, उसका ऐसा रूल है कि हर 6 महीने के बाद सीसी रिन्यूअल करना चाहिए, उन्होंने किया नहीं, सीसी उधर का रद्द कर दिया। दूसरा, वहाँ पे संक्रमक शिविर के अंदर जो बिल्डर का ऑफिस है तो अनलीगल है, जो दायरे में नहीं है कानून के, उसके ऊपर कार्रवाई करने को बोला है, उन्होंने उनको भी नोटिस भेजा है। बाजू में संक्रमण के शिविर के बाजू में ईवी होम्स जो बिल्डर है, इन्होंने सैंपल फ्लैट बांधा है, वो तोड़ने के लिए हमने बोला है अनलीगल है, उसके ऊपर उन्होंने एमआरटी एक्ट के तरफ से उनको नोटिस भेजा है। दूसरा, जो अनलीगल होर्डिंग बांधा है, अरियन बिल्डर के खिलाफ नोटिस निकाला है, और जो लोगों ने धांधली किया है, गलत डॉक्यूमेंट्स किया है, उसका इंक्वायरी लगाया है और उसका तहकीकात चालू है। बताना जरूरी है कि एकता सोसाइटी का रीडेवलपमेंट वर्क अरिहंत सुपर स्ट्रक्चरल लिमिटेड को जबकि श्रद्धा का पुनर्विकास ईवी होम्स को सौंपा गया है। हालांकि दोनों ही बिल्डरों पर अवैध और अधूरे दस्तावेजों के जरिए सीसी लेने और धांधली करने का आरोप लगा है। इनके खिलाफ राज्य के नगर विकास मंत्री और केंद्रीय आवासन राज्य मंत्री को भी शिकायत दी गई है। आज रिपाई नेता बाला साहब मिर्जे ने मनपा आयुक्त से मुलाकात की और इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई इसका जवाब मांगा। उन्होंने बताया कि आयुक्त ने सोसाइटियों के आर्किटेक्ट डेसिन 2000 और स्टेपल कंपनी को भी शोकाज नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। रिपाई नेता ने कहा कि आयुक्त अभिजीत बांगर ने मामले के जल्द निपटारे के लिए सुनवाई कराने एवं सोसाइटियों को दी गई सीसी को रद्द करने का भी भरोसा दिलाया है। हमने नवी मुंबई महानगर पालिका के पास, फिर नगर विकास मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब के पास तकरार की है, केंद्रीय आवासन राज्य मंत्री उनके पास तकरार की है। इसका फॉलोअप लेने के लिए हमने आज आरपीआई के शिष्टमंडल माननीय आयुक्त साहब इनके पास गए थे, उनको पूछा
ये सब का जवाब कि जो जो तकरार किए है आपके पास, केंद्र से भी आपको लेटर भेजा है, मंत्रालय से भी, नगर विकास से आपको ये मिला है, तो इसके बारे में क्या कार्रवाई किया? तो उन्होंने बोला है आर्किटेक्ट के खिलाफ पालिका के तरफ से एक नोटिस निकाला है, उनको जवाब मांगा है। उसके बाद जो के श्रद्धा और एकता सोसाइटी के जो पदाधिकारी है उनको भी हमने नोटिस भेजा है, ऐसा आयुक्त साहब बोले हैं। उसके बाद वो बोले हैं कि आपने जो तकरार की है उसके बारे में हेमंत जी ठाकुर जो नगर रचनाकार थे उनका हमने तड़का फड़के यहाँ से बदली किया है। उसके बाद एक इंजीनियर था उनका भी यहाँ से बदली हुआ है। उसके बाद जो बिल्डर है उनको उन्होंने नोटिस भेजा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। फिर अंत में उन्होंने ऐसा बोला है कि ये आपकी सुनावनी लगा देंगे सबके सामने, बाद में जो आपने सीसी रद्द करने का प्रस्ताव रखा है ये सीसी हम रद्द करेंगे, ऐसा आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वासी की जर्जर इमारतें रहवासियों के लिए बड़ी मुसीबत है, इसलिए उनका पुनर्विकास होना चाहिए, लेकिन इसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए जरूरी परमिशन, कानून सम्मत एग्रीमेंट और दस्तावेजों में पारदर्शिता भी जरूरी है। टीवी वन इंडिया का उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करना है ताकि मकानों के पजेशन के समय फ्लैट धारकों के साथ कोई धोखाधड़ी या मनमानी न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।